अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे, टेलीप्राइम में किसी कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करके पासवर्ड से उसे सिक्योर करना, पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड और यूजर नेम एक साथ चेंज करना और पासवर्ड को रिमूव करना। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी कंपनी को पासवर्ड द्वारा सिक्योर यानी सुरक्षित करने की आवश्यकता क्यों होती है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर को आपके अलावा और भी कई लोग उपयोग करते हैं और आप चाहते हैं कि टेलीप्राइम में बनाई हुई किसी कंपनी को बगैर आपकी अनुमति के कोई ओपन ना कर सके, तो उसके लिए आपको उस कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल एक्टिवेट करना होगा। ऐसा करने से जिसको भी आप पासवर्ड देंगे केवल वही उस कंपनी को ओपन कर पाएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल हम टेलीप्राइम में नई कंपनी बनाते समय या पहले से बनी हुई किसी भी कंपनी में इनेबल कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कि नई कंपनी बनाते समय सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे देते हैं। हमने टैली ओपन कर लिया है, अब यहाँ नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम नेशनल ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी बना रहे हैं। नई कंपनी कैसे बनाते हैं यह हम आपको कंपनी क्रिएशन वाली वीडियो में बता चुके हैं। देखिए इस स्क्रीन पर हमें कहीं भी सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। उसके लिए हम F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे। ये देखिए हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ गई है। इसमें हमें तीसरे ऑप्शन यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल को यस करना होगा। अब इसे कंट्रोल और A कीज प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए अब हमें सिक्योरिटी हेडिंग के अंतर्गत कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे भी हम यस कर लेते हैं। ऐसा करते ही हमें कुछ और ऑप्शंस दिखाई देने लगे हैं। इसमें सबसे पहले यूजर नेम दिखाई दे रहा है, इसमें हम जो भी यूजर नेम रखना चाहते हैं वो हमें टाइप करना होगा। हम एडमिन टाइप कर रहे हैं। इसके बाद पासवर्ड वाला ऑप्शन है, इसमें आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो टाइप करें। हम ABCD टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करें। कंफर्म पासवर्ड में ऊपर दिए गए पासवर्ड को फिर से टाइप करके एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही देखिए एक वार्निंग आ रही है जिसमें कहा गया है कि अगर आप अपनी कंपनी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस कंपनी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ध्यान रखें यूजर नेम या पासवर्ड दोनों में से कुछ भी भूल जाने पर आप कंपनी ओपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूजर नेम और पासवर्ड ऐसा दें जो आपको हमेशा याद रहे। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ गई है जिसमें ऊपर आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है और नीचे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है वो डाल देते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई दे रहा है। अब हम कंट्रोल और A कीज को प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए कंपनी ओपन हो गई है और हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अब यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि नई कंपनी बनाते समय सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे एक्टिवेट करते हैं। अब मान लीजिए आपकी कंपनी पहले से ही बनी हुई है और उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल नहीं है, तो देखते हैं उस कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे इनेबल करेंगे। सबसे पहले आपको उस कंपनी को ओपन करना होगा जिसमें आपको सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करना है। समझने के लिए हम Alt और F3 कीज को प्रेस करके अपनी पुरानी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस को ओपन कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए यहां पर कंपनी मेन्यू पर क्लिक करना होगा या Alt और K कीज को प्रेस करना होगा। अब यहां से कॉन्फ़िगर के अंतर्गत सिक्योरिटी ऑप्शन पर जाकर एंटर प्रेस करें या फिर इसके शॉर्टकट की E प्रेस करें। ऐसा करते ही आपको टैली में जितनी भी कंपनियां खुली हुई होंगी उनकी लिस्ट दिखाई देगी।
हम इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस को सिलेक्ट कर रहे हैं। कंपनी सिलेक्ट करते ही सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस की एक छोटी विंडो दिखाई देगी। इसमें कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा जो कि अभी नो है उसे यस करना होगा। अब एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। हम पहले की तरह ही इस कंपनी के लिए भी यूजर नेम और पासवर्ड बना लेते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। यहां ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस में नन सिलेक्ट करके आगे बढ़े और एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। चलिए अब इस कंपनी को पहले कंट्रोल और F3 प्रेस करके शट कर देते हैं और फिर ऑल्टर और F3 प्रेस करके कंपनी को ओपन करके देख लेते हैं कि पासवर्ड सेट हुआ है या नहीं। देखिए कंपनी सिलेक्ट करते ही यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। इसका मतलब ये कि इस कंपनी में भी सिक्योरिटी कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है। चलिए हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है वो डाल देते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए कंपनी ओपन हो गई है और हम गेटवे ऑफ टेली पर आ गए हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं किसी कंपनी के सिक्योरिटी पासवर्ड को चेंज करना। मान लीजिए किसी भी कारण से आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि ये काम कैसे किया जा सकता है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें कंपनी मेन्यू पर जाना होगा। उसके लिए ऑल्टर और के कीज को प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर यूजर मैनेजमेंट के अंतर्गत चेंज पासवर्ड दिखाई दे रहा है। उस पर जाकर एंटर प्रेस करें या उसका शॉर्टकट पी प्रेस करें। देखिए चेंज पासवर्ड की स्क्रीन आ गई है। इसमें ओल्ड पासवर्ड में आप अभी जो पासवर्ड है वो डालें। एंटर प्रेस करें। अब न्यू पासवर्ड में आप जो नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो टाइप करें। अब एंटर प्रेस करें। अब यहां कंफर्म न्यू पासवर्ड में कंफर्मेशन के लिए फिर से नया पासवर्ड डालें और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। अब आप चाहें तो इस कंपनी को शट करके फिर से नए पासवर्ड से ओपन करके देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप किसी कारण से यूजर नेम और पासवर्ड एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कंपनी के स्क्रीन पर रहते हुए ऑल्टर और के कीज को प्रेस करना होगा। फिर सिक्योरिटी ऑप्शन पर जाने के लिए ई प्रेस करना होगा। यहां पर कंपनी सिलेक्ट करें। हम नेशनल ट्रेडर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस की विंडो ओपन हो गई है जिसमें हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई कंपनी का नाम भी आ रहा है। अब यहां से हमें बैकस्पेस प्रेस करते हुए यूजर नेम पर जाना होगा। अब यहां हम नया यूजर नेम टाइप कर देते हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। पासवर्ड में नया पासवर्ड टाइप करें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में भी नया पासवर्ड डालें। अंत में ओल्ड पासवर्ड में आपका जो पुराना पासवर्ड है वो टाइप करेंगे। यहां ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस में नन सिलेक्ट करके आगे बढ़े और एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। अब आप चाहें तो इस कंपनी को शट करके फिर से नए यूजर नेम और पासवर्ड से ओपन करके कंफर्म कर सकते हैं कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। चलिए अब देखते हैं कि किसी कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल है यानी चालू है तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल रिमूव करने के लिए हमें कंपनी मेन्यू पर जाना होगा। उसके लिए ऑल्टर और के कीज को प्रेस करें। अब यहां कॉन्फिगर के अंतर्गत सिक्योरिटी ऑप्शन के लिए उसकी शॉर्टकट की ई प्रेस करें। ऐसा करते ही टैली में जितनी भी कंपनियां खुली हुई होंगी उनकी लिस्ट दिखाई देगी। हम उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका सिक्योरिटी कंट्रोल रिमूव करना चाहते हैं। कंपनी सिलेक्ट करते ही सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा जो कि अभी यस है उसे नो कर दें और अब एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही आपसे करंट यानी एग्जिस्टिंग पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड डालकर एंटर प्रेस करें। यहां ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस में नन सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें।
आप चाहें तो इस कंपनी को शट करके फिर से ओपन करके देख सकते हैं। ऐसा करते समय आपको पासवर्ड नहीं डालना होगा, जिसका अर्थ होगा पासवर्ड रिमूव हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कंपनी की सिक्योरिटी से संबंधित कई जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।